दिस न्यूज इज ब्रॉट बाय हेवन यूनिसेक्स सैलून कुल्लू। जोगिंद्रनगर में बन रही 100 मेगावाट की उहल परियोजना का शिलान्यास वर्ष 2004 में हुआ था। उस समय इस परियोजना की लागत 431 करोड़ आंकी गई थी तथा परियोजना 2008 में बनकर लोगों को समर्पित होनी थी, लेकिन यह परियोजना करीब 11 वर्ष लेट हो चुकी है तथा अनुमानित लागत से 1200 करोड़ की राशि का अधिक खर्चा हो चुका है। परियोजना के MD दिनेश चौधरी के मुताबिक परियोजना का ज्यादातर कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने दिव्य हिमाचल TV से खास बातचीत में कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर से मार्च तक यह परियोजना विद्युत उत्पादन शुरू कर देगी। दिनेश चौधरी ने बताया कि आजकल परियोजना के 8 मीटर ऊंचे रिजर्वायर में 7 मीटर तक जलभराव का कार्य पूरा कर लिया गया है। यहां बताते चलें कि 1,76,000 क्यूसिक मीटर वाला ये रिजर्वायर पहले 29 जून को भी भरा जा चुका है, लेकिन पानी के रिसाव की शिकायत के बाद इसे खाली कर दिया गया तथा फिर से भरना शुरू किया गया। वो जो जहां पर ये रिसाव हो रहा है वहां पर कोई भी गांव नहीं पड़ता है, वो सारी लैंड जो है वो हमारी BBPCL की लैंड है और ऐसा कोई अंदेशा नहीं है, था और ना है ना था कि उससे ग्रामीणों के ऊपर कोई उसका इम्पैक्ट हो। सर, उल परियोजना कब तक शुरू होने की संभावना रही? उल परियोजना का 99.9% कार्य जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन दुर्भाग्यवश जब हम इसके पेनस्टॉक का टेस्टिंग कर रहे थे जो कि जुलाई 2018 से शुरू किया था हमने, 6 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक किया, तो उसमें दुर्भाग्यवश एक एंकर ब्लॉक 10 में एक उसमें लगी हुई प्लेट्स में कोई 2 क्रैक्स हमें मिले, जो कि इस पेनस्टॉक में हालांकि 3500 मीट्रिक टन के लगभग सेल्मा स्टील लगी हुई है, तो ये सेल्मा स्टील में ही क्रैक आया है और उसका हमने पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स की कमेटी हमने 2016 में ही बना दी थी ताकि पेन स्टॉक में जो सेल्मा का उपयोग किए हुए बाकी प्रोजेक्टों में जो त्रुटियां पाई गई थी और उनके फटने की जो घटनाएं थी तो उससे पहले हम उसकी पूरी जांच कर ले। तो उस दौरान जब हमने HST किया तो उसमें जो एक क्रैक मिला उसकी हम रिपेयर हमने की, रिपेयर करने के उपरांत भी हमें उस प्लेट में जब बेडिंग का पेन स्टॉक की नवंबर 2018 से शुरू किया हुआ है और अपेक्षा की जा रही है कि ये नवंबर 2019 के अंत तक हो जाएगा और तदुपरांत हम जो 0.1% बाकी का काम है उसको करके पानी पावर हाउस को देने में समर्थ हो जाएंगे। क्या 2019 में ये परियोजना अपना बिल्कुल युद्ध स्तर पे उत्पादन शुरू कर देगी? 2019 वर्ष ये फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में, यानी कि बाय मार्च 2020 ये पूर्ण रूप से हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं और हमें पक्का विश्वास भी है कि ये कंप्लीट हो जाए। दिव्य हिमाचल वेब TV के लिए जोगिंद्रनगर से दीपक चौहान की रिपोर्ट। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में कौन खूबसूरत नहीं दिखना चाहेगा? आपकी खूबसूरती और युवा दिखने की चाहत को बरकरार रखने के लिए अब हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप आपके अपने शहर सोलन और कुल्लू में। अत्याधुनिक उपकरणों व ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधनों से लवरेज हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप तेजी से उभरता वो नाम है जो बेहतरीन सर्विसेज और गुणवत्ता के लिए एक अलग पहचान बना रहा है। हेवन्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक जितेंद्र ठाकुर बताते हैं कि हमारे यहाँ ब्राइडल ग्रूम्स मेकअप के साथ साथ हेयर कट, ट्रिमिंग, शेविंग, हेयर स्पा, फेशियल, वैक्सिंग, ब्लीच व हर तरह का क्लीनअप इत्यादि सभी प्रकार के सौंदर्य ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो जवां जवां दिखने के लिए आज ही चले आइए अपने नजदीकी हेवन यूनिसेक्स सैलून।